निश्चित रूप से यह तो पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। आज तक जिन्होंने शहीदों को कभी याद नहीं किया, आज तक छत्तीसगढ़ की धरा पर इस प्रकार से नहीं किया, केवल ये एक नकलची बंदर का काम करके जो है छत्तीसगढ़ को का नाम पूरे देश में ये इस प्रकार की जो परंपरा यहाँ पर डाली जा रही है, ये बहुत ही गैर संवैधानिक है, एक प्रकार से राजनीतिक स्वार्थी स्वार्थ के लिए है और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने के लिए है। आज कांग्रेस विकास के नाम पर शून्य हो गई है, कांग्रेस शराबबंदी के नाम पर शून्य हो गई है, कांग्रेस आज बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर शून्य हो गई है, कांग्रेस बेरोजगारी भत्ते के नाम पर शून्य हो गई है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं। गौठान के मामले में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रेत के नाम पर स्वयं मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है वो भ्रष्टाचार है, इन सब से ध्यान हटाने के लिए आज इस प्रकार का स्टंट जो है राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। अमर ज्योति जो हमारे जवान थे उनके लिए जो आज़ादी की लड़ाइयों में जिन्होंने प्राण कुर्बानी की, उसको हटाया नहीं गया है, उसको ये जो साफ फैलाई जा रही है ये पूरी तरह से गलत है। और छत्तीसगढ़ में उसका क्या औचित्य, यदि छत्तीसगढ़ के आज़ादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ के जिन शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, क्या कांग्रेस की उन सरकारों ने इन आज़ादी के बाद 70-75 सालों में कभी उस गुंडा धुर को याद किया, कभी शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया, क्या कभी उनके नाम पर कोई, ऐसे सैकड़ों शहीद छत्तीसगढ़ की धरा से हुए हैं, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो चाहे दूसरी हो, कि छत्तीसगढ़ के शहीदों को छत्तीसगढ़ के जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े, जो कांग्रेस की नीतियों के चलते जिन्होंने अनावश्यक रूप से जिन्होंने अस्मात प्राण गंवाए, उन सब का नाम उसमें शामिल किया जाएगा और वंशवाद का नाम बदल कर जहाँ जहाँ पर सड़कों के नाम, स्कूल कॉलेजों के नाम, महाविद्यालयों के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम, इन सब के नाम जो वंशवाद के नाम पर दिए गए उन सबको हटाकर छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम भी दिया जाए तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि ये अनुकरणीय पहल इस प्रदेश ने की है। भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह छत्तीसगढ़ के शहीदों के सम्मान में जलाई जाने वाली इस ज्योति का समर्थन करती है या विरोध करती है। जो हजारों हजार हमारे शहीद छत्तीसगढ़ की धरती पे अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, क्या उनके याद को चिरस्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जो निर्णय लिया है उसका भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है। एक तरफ तो 50 साल से अधिक समय से हमारे देश के शहीदों के सम्मान में जल रही अमर जवान ज्योति को नरेंद्र मोदी जी ने बुझवा दिया, अब दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री अपने शहीदों के सम्मान में कोई ज्योति जलाने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करके कितने निचले स्तर पर उतर आई। सवाल ही उठता है, तो शहीदों का सम्मान है, आपने उन शहीदों के साथ अन्याय किया, अपमान किया, 50 साल से जल रही ज्योति को आपने बुझाया है, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, नकल कहे कि क्या रमन सिंह ने जलाया था क्या, और इसके पहले भी जो देश में शहीद अमर जवान ज्योति जल रही थी वो कांग्रेस की सरकार ने जलवाया था 50 साल पहले, नकल किसकी। केंद्र की भाजपा सरकार ने उनका निर्णय लिया है, उस निर्णय के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने विरोध किया और ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा, और उसी के बाद शायद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार यह निर्णय ली है कि छत्तीसगढ़ में जो शहीद हैं उनके जो देश की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान था, एक बहुत बड़ी पीढ़ी, बहुत सारे लोग जो देश की आज़ादी के समय कुर्बान हुए हैं, उन लोगों की याद में अगर ऐसी परिकल्पना के साथ बनाया जा रहा है तो उसका स्वागत होनी चाहिए। और इसके मायने अगर तलाशेंगे तो भाजपा का अपना अलग विरोध, कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का विरोध, भाजपा का समर्थन, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इन महापुरुषों की याद में नहीं होनी चाहिए। इन महापुरुषों की यादों को अक्षुण बनाए रखने की दिशा में निरंतर काम होनी चाहिए। भाजपा तो राष्ट्रवाद का नारा देती है, तो राष्ट्रवाद के लिए इन जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी सोच के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन लोगों को
एक स्मारक में बैठा कर, स्मारक में ही रख कर नहीं, उनकी पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इस दिशा में अगर काम कोई भी सरकार करे तो ज़्यादा बेहतर है, और इसको राजनीति से ना घसीटा जाए, राजनीतिक नज़रिए से कम इन बलिदानी पुरुषों को ना देखा जाए। इनके जो समर्पण है, इनके जो सोच है, इनकी जो राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना थी, जिस तरह के राष्ट्र निर्माण वो चाहते थे, उस दिशा में राजनीतिक दल के शासक अगर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस मुद्दे पे तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि दोनों राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करनी चाहिए।